हिंदू विनोद चोपड़ा का कंट्रोवर्शियल कमेंट। वी सी अ लॉट ऑफ स्टूपिड हिंदी फिल्म्स एंड आई थिंक सम ऑफ देम विल प्रोबेबली थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग द रबिश दे मेक। शाहरुख की फिल्म की सक्सेस के लिए आमिर की दुआएं। हम तो दुआ करेंगे कि शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर खूब कामयाब हो और ज्यादा बिजनेस करे। वेल, ये नजारा है द मच टॉक्ड अबाउट मामी फिल्म फेस्टिवल की स्टार स्टडेड क्लोजिंग सेरेमनी का, जो कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी की तरह ही रही काफी ग्लैमरस। शुरुआत में ही फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने बॉलीवुड में बनने वाली ज्यादातर फिल्मों को स्टूपिड बताकर खड़ी कर दी कंट्रोवर्सी। वी सी अ लॉट ऑफ स्टूपिड हिंदी फिल्म्स एंड आई थिंक सम ऑफ देम विल प्रोबेबली थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग द रबिश दे मेक बिकॉज़ दे वुड हैव सीन वर्ल्ड सिनेमा। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो तो हो ऑर्डर जनहित में जारी रहे। हालांकि इस क्लोजिंग सेरेमनी में असली जान तो आमिर खान की एंट्री के बाद ही आई। अब तो हाँ अपनी बारी रे। आप ही लगते हैं मामी में रौनक अब आई। ओह क्योंकि मैंने दाढ़ी निकाल दी इसलिए। वेल, सबसे पहले तो आमिर ने इस फेस्टिवल की सक्सेस के लिए वाइफी डियर किरण के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री की जो कोशिश है उसके साथ ये फेस्टिवल हम लोग सक्सेसफुली होल्ड कर पाए हैं। जरूर सपोर्ट मैंने किया, मेहनत शायद किरण ने ज्यादा की, अन्नू ने ज्यादा की और लोगों ने बहुत मेहनत की। और फिर इस फेस्टिवल से हटकर पीके के ट्रेलर लॉन्च से जुड़े सवालों पर भी काफी खुलकर बोले आमिर। अरे नहीं नहीं सवाल क्या आपका? हाँ ठीक है, हाँ पूरा करें। वेल यस, आमिर अपनी मच हाइप्ड फिल्म पीके का ट्रेलर उनके आर्च राइवल शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के साथ रिलीज कर रहे हैं, जिसे कुछ लोग शाहरुख की फिल्म से जनता का ध्यान हटाकर अपनी फिल्म की तरफ आकर्षित करने की आमिर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता रहे थे। तो इस बात पर आमिर ने यहाँ खुल कर दिया क्लैरिफिकेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दरअसल मेरी इत्तेफाक से पिछले 4-5 सालों में जो मेरी फिल्में हैं वो क्रिसमस में आती हैं, और जब आप क्यों मुस्कुराएं, जब मेरी फिल्म क्रिसमस में आएगी तो उसका जो ट्रेलर है वो दिवाली पे आएगा। तो ये इत्तेफाक की बात है कि पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से, 3 इडियट्स, गजनी, तारे जमीन पर, ये सारी फिल्में धूम 3 क्रिसमस पर आई। तो जाहिर है हम दिवाली के आसपास हमारा ट्रेलर रिलीज़ होता है, तो दिवाली के दिन मैं पिछले 5 सालों से मैं अपनी जो भी फिल्म आने वाली है उसका ट्रेलर रिलीज़ करता हूँ। फिर दिवाली पे कोई भी फिल्म हो, जिस एक्टर की भी फिल्म हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता और ना उस फिल्म को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग तो वो फिल्म देखने आए हैं, उनको हमारी फिल्म मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना। हमारी फिल्म रिलीज़ थोड़ी हो रही है उस दिन। हम बल्कि चूँकि शाहरुख की फिल्म इतनी कामयाब होगी, कितनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं वो, इतनी लोकप्रिय होगी, इतने ज़्यादा लोग उसको देखने आएंगे, तो हमको फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि हमारा लोग शाहरुख की फिल्म देखने आएंगे, उसमें हमारा ट्रेलर भी देख लेंगे, तो ये हमें खुशी की बात है। एवरी वन वुड वॉन्ट, जैसे कि अभी पीके लग रही है, तो मुझे लगता है कि कई लोग चाहेंगे कि पीके के साथ वो अपनी लॉन्च करें लोग, ताकि लोगों का ध्यान उस पर आए। यहाँ तक कि शाहरुख की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड सक्सेस मिलने की दुआएं भी मांग ली। जितने लोग शाहरुख की फिल्म देखेंगे वो हमारा प्रोमो देखेंगे, तो हम तो दुआ करेंगे कि शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर खूब कामयाब हो और ज्यादा बिजनेस करे। हाँ, मगर हर साल के अंत में साल की बाकी सभी बॉक्स ऑफिस हिट्स को पीछे छोड़ क्रिसमस पर आने वाली अपनी फिल्मों से सारे रिकॉर्ड तोड़ने के आमिर के रिकॉर्ड की बात आने पर आमिर जरूर ब्लश करने लगे। जब भी आपकी फिल्म आती है उसका जितने भी रिकॉर्ड बने हो मार्केट वाइज, वो आपकी फिल्म आने के बाद सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद करें कि काफी अच्छी अच्छी फिल्म आई, अच्छा बिजनेस किया है, तो जब पिक्चर रिलीज होगी वो भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वेल, रिकॉर्ड्स का तो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन पीके मेरे लिए बहुत ही खास फिल्म है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और मुझे लगता है कि राजू हिरानी जो डायरेक्टर हैं पीके के, वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर हैं वो। मुझे बड़ा इंतज़ार है कि लोगों को फिल्म कैसी लगती है,
और उम्मीद है मुझे कि लोगों को पसंद आएगी, लोगों को अच्छी लगेगी। एंड वी गेस कहीं ना कहीं इससे जुड़े अपने प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा के कंट्रोवर्शियल कमेंट पर कोई रिएक्शन ना देना ही बेहतर समझा आमिर ने। ओफो, मुझे उसमें कुछ नहीं। चलिए अब 2014 की दिवाली पर हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस पर पीके में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट जाते जाते आमिर ने यहाँ तीसरे खान सलमान खान की अपने टीवी शो सत्यमेव जयते में आने की बात छेड़ कर उन्हें भी थोड़ी लाइमलाइट दिला दी। और जो आने वाला जो एपिसोड है इस संडे को जो आएगा, तारीख क्या है? आज क्या तारीख है? हाँ तो 26 है, 26 को, 26 को संडे है, तो 26 को जो एपिसोड आएगा उसमें सलमान साहब हैं। और जब आप एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों हैं उस एपिसोड में, टॉपिक क्या है और क्यों वो इस एपिसोड का हिस्सा बने हैं। खैर, मूविंग ऑन टू द अदर गेस्ट्स एट दिस रेड कार्पेट, माधुरी दीक्षित, अनुष्का शर्मा, ईशा गुप्ता, वाणी कपूर और कई और बी टाउन सेलेब्स ने एक साथ आकर 16th मामी फिल्म फेस्टिवल की इस क्लोजिंग सेरेमनी को खास बनाया। Hoping to see more Bollywood support at the coming Mami festivals. Good luck to them. Suruchi Mahatpurkar, Kore, Zing, Mumbai.